बीजेपी की एक दिन पहले बैठक हुई थी, असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये कहा गया था कि बीजेपी ने 52 विधानसभा सीटों पर लीड ली है, यानी बढ़त हासिल की है और जनमत बीजेपी के पक्ष में है, जिस पर आज जेएमएम ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव लोकसभा का हुआ और सपने विधानसभा के देख रहे हैं। और साथ ही जेएमएम ने यह चुनौती भी दी है कि पिछली बार 25 पे थे तो इस बार 10 के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। और जेएमएम ने क्या कुछ कहा है और क्या मायने हैं इसके, हम सीधे जोड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, देखिए बीजेपी ने जो जो दावे किए थे जेएमएम ने बिंदुवार पलटवार किया है और कहा है कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो आप इस पे विधानसभा के सपने क्यों देखने लगे और कैसे देखने लगे, यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अब थम ताल ठोक कर आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के दो नवनियुक्त प्रभारियों का दौरा होता है और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भरपूर कोशिश किया जाता है, ऐसे पर जेएमएम ने मौका न गवाते हुए इस विषय पर काउंटर किया और आज केंद्रीय महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य है उन्होंने पार्टी कार्यालय से प्रेस वार्ता कर एक तरह से सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और भ्रष्टाचार के जो कई आरोप जो दोनों प्रभारियों ने वर्तमान सरकार और पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए, इसी पर पलटवार करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि व्यापम घोटाला जैसे मामलों के जो आरोपी हैं एक तरह से कहें तो उन्हें अब प्रभारी बनाया गया और वो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो ये कहीं से जायज नहीं लगता। ऐसे में बीजेपी ये जो प्रभारियों का दौरा कराती है वो घूमने के लिए आए तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो आकर अनर्गल बातें करेंगे तो ये जायज नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि बीजेपी के उन दावों पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि चुनाव लोकसभा के हुए और सपने विधानसभा के देखे जा रहे हैं, 52 सीटों पर जो लीड की बात की गई थी उस पर एक तरह से कहें सीधे पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि आंकड़े तो इस बार 10 तक पहुंच जाएंगे क्योंकि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है वो ऐसे आदमी हैं जो भ्रष्टाचारियों को केंद्रीय मंत्री से मिलाने के काम करते हैं, जो सेना की जमीन खरीद बिक्री होती है वैसे में जो वित्त मंत्री यहाँ आती है तो उनको मुलाकात उन्हीं व्यक्तियों से वो कराते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा गंभीर आरोप जो है जेएमएम ने लगाया है। तो अब देखना होगा ये विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरह से कहें तो सियासत शुरू हो चुकी है, आरोप का दौर जो है वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जैसे ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ाया तो जेएमएम ने मौका गवाते हुए आज उस पर पलटवार करते हुए अपने भी दावे ठोक दिए कि अगर चुनाव होते हैं और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं तो फिर हम 65 पार का नारा तो नहीं देंगे लेकिन 10 सीटों पर ही सिमट कर आपको रख देंगे। बिल्कुल, और वहीं चंपई सोरेन विधानसभा में हार गए, इस तरह की बातें, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वो अपने विधानसभा में वो पिछड़ गए, लेकिन अब जेएमएम ने इस बात पर भी चुनौती दे दी है कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तो विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन हार गए, यानी लगता है कि इस पे अब जवाब बीजेपी की तरफ से भी आएगा और ये सिलसिला अभी लंबा चलेगा। मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में ये दौर अभी लगातार जारी रहेगा, ये इन पर आरोप लगाएंगे वो उन पर आरोप लगाएंगे। जरूर है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कल ये कहा था कि जब चुनाव की बात हो रही है तो विधानसभा बार अगर समीक्षा की जाए तो मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन इसे जेएमएम ये कहती है कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं था बल्कि ये लोकसभा का चुनाव था, तो ऐसे में हम इसे विधानसभा का चुनाव नहीं मानते और मुख्यमंत्री कभी नहीं हारे हैं। तो ये जो वार पलटवार का दौर है ये लगातार जारी रहेगा, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होगी वार पलटवार का दौर और तीखा और तेज होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और जेएमएम के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, इसका आगाज लगता है अभी से हो गया और ये सिलसिला अभी लंबा चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जवाब दे रही है दूसरी तरफ जेएमएम काउंटर कर रही है, देखने वाली बात यह होगी कि इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।